बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले 55 वर्षीय कांवरिया महेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल यह दुखद घटना सुल्तानगंज बाग थाना क्षेत्र में उस समय घटी जब महेशी राय पिकअप गाड़ी के ऊपर बैठकर देवघर की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि महेशी राय सावन के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान वह पिकअप गाड़ी के ऊपर बैठकर यात्रा कर रहे थे, तभी बाग थाना क्षेत्र में गाड़ी का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे महेशी राय गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं घटना के बाद तुरंत महेशी राय को एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस हादसे की जाँच शुरू कर दी। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को सुल्तानगंज मेला क्षेत्र का भ्रमण किया और वहां के विभिन्न विभागीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने कांवरियों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनकी राय भी जानी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और व्यवस्था को और बेहतर बनाने के बारे में बताया, जिसके बाद डीएम नमामि गंगे घाट पहुँचे, जहाँ जिलाधिकारी ने जहाज घाट के किनारे की बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बैरिकेडिंग में लगे जाली को तुरंत दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने गोताखोरों की नाव से की जा रही गश्ती कार्य का भी अवलोकन किया और छोटी नाव की जगह मझली नाव के इस्तेमाल का निर्देश दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। वहीं नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक 100 मीटर पर दो दो सफाई कर्मियों को 4 शिफ्ट में तैनात किया गया है, जो निरंतर सफाई का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने सफाई कार्य की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि सूचना केंद्र की उद्घोषणा पूरे मेला क्षेत्र में प्रसारित होना चाहिए। इस पर जिलाधिकारी ने संयुक्त निदेशक जनसंपर्क को नगर परिषद के नियंत्रण कक्ष से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कई कांवरियों ने बताया कि जहाज घाट पर मुफ्त लॉकर की सुविधा मिलने से वे अपना कीमती वस्तुएं और पैसे सुरक्षित रहकर निश्चिंत होकर गंगा स्नान कर सकते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सौजन्य से स्थापित हैंगर का भी निरीक्षण किया, जहां उत्तर प्रदेश और जहानाबाद से आए कांवरियों ने बताया कि उन्हें पहली बार इतनी अच्छी विश्राम सुविधा मिली है और इस वर्ष व्यवस्था काफी बेहतर है। वहीं जिलाधिकारी ने जर्मन हैंगर में अधिक संख्या में बिस्तर, गद्दा और चादर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वहां 10 फीट चौड़ा पाथवे बनवाने का निर्देश दिया है। वहीं जर्मन हैंगर के शौचालय की साफ सफाई के लिए नगर परिषद को पीएचडी के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। डीएम ने सदर एसडीओ और कार्यपालक पदाधिकारी सुल्तानगंज को सभी दुकानों विशेषकर होटलों में सामग्रियों का रेट चार्ट लगाने का निर्देश दिया है। वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि होर्डिंग और फ्लैक्स के माध्यम से भी रेट चार्ट प्रदर्शित किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में वाहन पड़ाव स्थल पर कई दुकानदारों ने अवैध रूप से दुकानें लगा रखी है, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत उन दुकानदारों को हटाने का निर्देश सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। इस अवसर पर सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति, सहायक समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं कि पिछली बार से उन्होंने कई चीजों में सुधार किया, खास करके जितने भी घाट है वहाँ पे बहुत सारी चौकी हुआ करती थी। चौकी का कारण से हमारे कांवरियों को असुविधा होती थी, अब हम लोगों ने उसकी संख्या को लिमिट किया। उसका उसके ठीक बगल में दो जर्मन हैंगर लगे हुए हैं, एक नगर विकास विभाग के तरफ से और दूसरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, काफी अच्छा बनाया है। तो इन हैंगर्स होने के कारण से आप कांवरियों का फीडबैक हम अभी ले रहे थे, हम लोग और क्या अच्छा सुधार करें। तो आप लोगों ने कांवरियों का फीडबैक सुना होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी कई कांवरिया बंधु आए हुए हैं, बिहार के अच्छा फीडबैक दिया है। थर्ड से हम लोगों ने इस बार बोट एम्बुलेंस शुरू कराया है, जिससे रात में कई बार गश्ती हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, तो हम लोगों ने बोट एम्बुलेंस जो फ्लड कंट्रोल हमारा डिवीजन है उसके माध्यम से कराया है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट में कई हम लोगों ने स्टैंड बनाया है
और उसको और हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। साफ सफाई का फीडबैक आप लोगों से भी मैंने लिया है, तो आप लोगों ने भी कहा कि नहीं सर अच्छी व्यवस्था है, और हम लोग और उसको ईयर मार्क कर रहे हैं, जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, कैमरों से निगरानी कर रहे हैं, और हमारे सभी विभाग के अधिकारी खास करके हमारे सामान्य सामान्य शाखा के अधिकारी हमारे हमारे इंस्पेक्टर और जनसंपर्क सभी विभाग के अधिकारी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। भागलपुर के शनि मंदिर में भगवान शनि के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दरअसल यह शोभा यात्रा गौशाला परिसर से शुरू होकर दवाई पट्टी होते हुए प्राचीन शनि मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान शनि की भक्ति में लीन होकर भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए, जहां भगवान शनि के जन्मोत्सव का विशेष पूजन अर्चन किया गया। शनि जन्मोत्सव को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भगवान शनि की भक्ति में डूबे हुए थे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही भक्तिमय माहौल में भक्ति गीतों पर नृत्य कर रहे थे। भक्तों ने बताया कि यह शोभा यात्रा हर वर्ष सावन अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था और इस पर्व को मनाने से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर लाजवाब है, और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा। ये देखो है ना, तो आ जाओ फिर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर, मोबाइल नंबर 6200643686। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी और केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ ने शनिवार को एक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ भागलपुर की जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने किया। प्रतिरोध मार्च की शुरुआत भागलपुर स्टेशन चौक से हुआ, जो विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ समाहरणालय गेट पर आकर समाप्त हुआ। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं और राजद के समर्थकों ने हिस्सा लिया और अपने आक्रोश को व्यक्त किया। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने प्रतिरोध मार्च के दौरान कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र में राजद विधायक रेखा पासवान के ऊपर जो टिप्पणी की है वह निंदनीय है। इसके पहले भी नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी या व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजद नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। आज महिलाओं की रैली नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसी के कारण हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। एक तरफ आप बोले नीतीश कुमार के द्वारा निकाला जा रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ निकाल रहे हैं। जो भी बोले श्रावणी मेला के दौरान बाहर से आने वाले कांवरियों से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के शौचालय संचालक द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शौचालय संचालक प्रत्येक कांवरिया से 5 रुपए के बदले 10 रुपए की वसूली कर रहे हैं। स्टेशन परिसर में स्थित शौचालय में उनसे 5 रुपए के बजाय 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। कई कांवरियों ने इस अवैध वसूली को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि हर साल इस तरह की वसूली होती है और इस बार भी शौचालय संचालक मनमानी कर रहे हैं। एक कांवरिया ने कहा, हम यहाँ पवित्र भावना से आते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें हमारी आस्था को ठेस पहुँचाती है। वहीं प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जब शौचालय संचालक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमने शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। जो भी वसूली की जा रही है वह नियमानुसार है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह हमारे कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज करा सकता है।